अगर आपका एक नया ब्लॉग चैनल है या फिर कोई भी चैनल है उस पर गाइज आपका 5, 10 या 3, 4 व्यू आते हैं और आपका आगे व्यूज आता ही नहीं है तो आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे, ठीक है यार व्यूज मेरा कैसे बढ़ेगा। आजकल देख रहा हूँ कि माय फर्स्ट ब्लॉग में सब कोई मतलब कितने व्यूज ले रहा है यार, ज्यादा व्यूज नहीं लेकिन मैं कहता, लेकिन 500-600 अप्रॉक्स 1000 व्यू तो आए मेरे वीडियो पे, तो आप लोग के वीडियोज पर उतने व्यू भी नहीं आते हैं, तो कैसे आएंगे आपके वीडियोज पर व्यू आज मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, एंड बेल प्लीज यार चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपको किसी भी वीडियो पर व्यूज लाना है थंबनेल अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइज वेट यार, मैं आप बोलोगे थंबनेल के बारे में फिर से बताने लगा, ये मैं इसमें कुछ स्पेशल ट्रिक्स बताने वाला हूँ वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए। गाइज थंबनेल के लिए मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, तो गाइज आपको ये वाला एंड गाइज ये वाला वीडियो देख लेना है मेरा, आपको थंबनेल कैसे बनाना है पता चल जाएगा। अगर आपका एक ब्लॉग चैनल है तो आपको ये ट्राई करना है कि आपका जो जीमेल हो, आपका जो चैनल हो, वो एक नई जीमेल से ओपन किया हो, चैनल से आप अपना फर्स्ट ब्लॉग डाले, ठीक है। ओके आपने थंबनेल अच्छा कर दिया एंड उसके बाद आप बोलोगे व्यूज कैसे लाना है, तो गाइज व्यूज लाने के लिए वीडियो पर वीडियो का एसईओ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब तक अपने वीडियो पर एसईओ नहीं करोगे आपका वीडियो रैंक नहीं होगा किसी भी कीवर्ड में हो, मैं कहता हूँ माय फर्स्ट ब्लॉग में हो, ठीक है। कीवर्ड पे कैसे वीडियो रैंक कराना है आज मैं बताऊंगा। गाइस सबसे पहले आपको गाइस जो वीडियो का लेंथ रखना है वो तो आपको पता ही होगा छोटा होता है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है कि फर्स्ट ब्लॉग कैसे वायरल करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, तो गाइस ये वाला वीडियो आपको देख लेना है जो कि अभी ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब पर, ठीक है। तो आपको देख लेना है ये वाला वीडियो कि आपको जैसे ही आप अपना माय फर्स्ट ब्लॉग वीडियो अपलोड करते हो तो उसके बाद यार वीडियो अपलोड करने के बाद आप भूल जाते हो कि मैंने यहाँ वीडियो अपलोड किया है, ठीक है। आप लोग बस वेट करते हो कि कब मेरा वीडियो अब रैंक होगा, कब मेरे वीडियोज पर व्यूज आएंगे। तो अब आपको पता होना चाहिए जो माय फर्स्ट ब्लॉग टाइटल है या फिर कोई भी टाइटल है, ठीक है, मैं कहता हूँ हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियोस, कोई भी टाइटल है पता होना चाहिए, वहाँ पर हर एक मिनट में एक वीडियो अपलोड हो रहा है यूट्यूब पे, हर एक मिनट में, 2 मिनट में, 10 मिनट में, कभी भी होता हो। तो ये देखेंगे कि आपको हर वीडियो तो यार अब रैंक नहीं कर जाएगा यूट्यूब में, अब हर वीडियो का रैंक करने लगे तो अच्छा फिर सबका व्यू आ गया, ठीक है। तो कुछ ही वीडियोज़ होते हैं जो रैंक होते हैं, तो वो कौन से वीडियोज़ होते हैं जिसमें रैंक होता है स्टार्टिंग में, यूट्यूब बूस्ट देता है वीडियो में। आप लोग को उसके लिए वर्क ये करना पड़ता है कि आप जैसे ही अपना वीडियो अपलोड करते हो तो आप अगर आप एक नए यूट्यूबर, तो आपको अपने वीडियो को बूस्टअप देना पड़ता है। जैसे कि मैं अपने वीडियो को बूस्ट करता हूँ, मोबाइल में 10 से 15 जीमेल ओपन किए हूँ एंड जैसे ही मैं अपना वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसके बाद में अपने उसी वीडियो को अलग अलग जीमेल से सर्च करके देखता हूँ ताकि मेरा वीडियो यूट्यूब सर्च में आ सके। एंड गाइज अगर आप एक ब्लॉगर हैं, आप अपना माय फर्स्ट ब्लॉग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको अपने अलग अलग जीमेल से बार बार माय फर्स्ट ब्लॉग सर्च करना है अलग अलग जीमेल से। एंड अगर आपका वहाँ पर वीडियो नहीं आ रहा है तो आपको जाना है फिल्टर वाले ऑप्शन पर ऊपर एंड आपको देखना है वहाँ पर आपका वीडियो मिल जाएगा। अगर तब भी नहीं आ रहा है तो आपको माय फर्स्ट ब्लॉग के आगे अपना नाम लिख देना है चैनल का, ठीक है, तो आपका वीडियो 100% आ जाएगा। तो गाइज आप अगर ये करेंगे अपलोड करने के बाद में 10-15 जीमेल से वीडियो को वॉच करेंगे तो गाइज आपका वीडियो 101% रैंक होगा। लेकिन गाइज याद रखना है आपका जो थंबनेल हो, थंबनेल अच्छा होना चाहिए, वीडियो में थोड़ा सस्पेंस करना पड़ेगा, पब्लिक को मजा भी आए। अगर वीडियो में देखो वीडियो आप रैंक तो करा दोगे, वीडियो आपका थोड़ी देर के लिए रैंक हो जाएगा, अगर उस वीडियो में क्लिक नहीं हुआ, आपका थंबनेल अच्छा नहीं होगा, उसमें ज़्यादा एवरेज व्यू ड्यूरेशन नहीं आएगा, तो यार यूट्यूब उस वीडियो को रिकमेंडेड नहीं करेगा आगे, ठीक है। जब सब कुछ उसका लो हो जाएगा तो यूट्यूब उस वीडियो को वहीं पर रोक देगा, ठीक है। इसलिए गाइज आपका थंबनेल होना चाहिए अच्छा, एसईओ अच्छा होना चाहिए। तो याद रखना है आपका थंबनेल, आपका जो बोलने का तरीका है, जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन होता है कि आप मेरे वीडियो पर कितना देर रुक रहे हो, जैसे कि आप लोग मेरा वीडियो अभी देख रहे हो, ठीक है। तो ऐसे आपको भी अपना वीडियो बनाना है कि लोग आपका वीडियो भी देखें। तो आज के वीडियो को पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करेगा एंड गाइज प्लीज चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। एंड गाइज यहाँ पर आ रहा होगा एसईओ वाला वीडियो एंड गाइज ये है माय फर्स्ट ब्लॉग जो कि मैंने टिप्स दी है अपने ब्लॉग पे। तो गाइज दोनों वीडियो क्लिक करके वीडियो को जरूर देखिए, आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।